पाकिस्तान में पिंकी पीरनी की चर्चा जोरों पर, विपक्ष का आरोप इमरान इसके इशारे पर ही करते हैं सारे फैसले, फौज भी खफा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों 10 दिन बाद ही सही, लेकिन पाकिस्तान में आईएसआई की चीफ की नियुक्ति का मसला अब कुछ हद तक सुलझता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पास समरी भेज दी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनरल नदीम अंजुम कुछ दिनों में आईएसआई चीफ बन जाएंगे। दोस्तों इन सब के बीच कुछ अजीब खबरें भी फिजा में तैर रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर आर्मी चीफ से पंगा इसलिए लिया क्योंकि पिंकी पीरनी ने उन्हें पुराने चीफ जनरल फैज हमीद को ही इस पद पर रखने के लिए कहा था। सवाल ये है कि ये पिंकी पीरनी आखिर कौन है? मुख्य विपक्षी नेता इशारे में जादू टोने की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों इमरान के बड़बोले मिनिस्टर शेख रशीद भी इनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं? चलिए कुछ रोचक बातें जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार पिंकी पीरनी कौन है। इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को ही पिंकी पीरनी कहा जाता है। पाकिस्तान के सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि बिना बुशरा से पूछे इमरान कोई फैसला नहीं लेते। इसकी कई मिसालें भी दी जाती हैं। वहाँ की मीडिया में भी इसका जिक्र खूब होता आया है। बुशरा इमरान की तीसरी पत्नी है। इसके पहले वो जैबिमा गोल्डस्मिथ और रेहम खान से भी शादी कर चुके हैं। बुशरा की पहली शादी से 5 बच्चे हैं। हालांकि वे हमेशा बुरके में रहती हैं। इमरान से शादी से पहले के उनके कुछ फोटोज इंटरनेट पर मौजूद हैं। कहा जाता है कि वे टोने टोटके और अंधविश्वास में गहरा यकीन रखती हैं और इमरान पर इसका असर साफ नजर आता है। दोस्तों हाल ही में बुशरा का मामला मुख्य विपक्षी नेता मरियम नवाज ने उठाया था। उन्होंने पिंकी पीरनी का नाम लिए बगैर मीडिया से कहा कि ये कैसा वजीर आजम है जो मुल्क में अहम नियुक्तियों के लिए टोने टोटके और भूत प्रेत का सहारा लेता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का दुनिया में तमाशा बन रहा है तो इसमें हैरानी की बात ही क्या है। अगर जंतर मंतर भूत प्रेत और जादू टोना इतना ही कारगर है तो इसे मुल्क की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि काश जादू टोने से ही कुछ हो जाता। हमारे मुल्क ने 3 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर देख लिए। पता नहीं इमरान को अब कौन सही रास्ता दिखाने आ रहा है। दोस्तों पिछले दिनों जिन खबरों ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा, पहली उसमें से थी पिछले हफ्ते जब आईएसआई चीफ की नियुक्ति के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान में ठनी हुई थी। तब खबर आई कि फौज ने इमरान के बनीगाला स्थित घर पर जाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि ये लोग वहां जाकर आर्मी चीफ के लिए टोना टोटका करते थे। दूसरी ये थी कि फौज ने 6 लोगों को जंगल से गिरफ्तार किया। ये लोग कपड़े की गुड़िया में पिने चुभो रहे थे। कहा जाता है कि ये भी एक तरह का जादू टोना है और इसे भी बुशरा ही करवा रही थी। और एक बात ये है दोस्तों कि हाल ही में पाकिस्तान के कथित परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हुआ। सब नमाज़े जनाजा में शामिल हुए लेकिन इमरान नहीं। कहा जाता है कि इमरान पिंकी पीरनी के कहने पर ही कभी किसी जनाजे में शिरकत नहीं करते। दोस्तों 2 दिन पहले पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद से एक इंटरव्यू में इमरान के जादू टोने पर जरूरत से ज्यादा भरोसे करने पर सवाल पूछा गया। इस पर बचने की कोशिश करते हुए रशीद ने कहा कि ये सब भी तो ऊपर वाले ने ही बनाए हैं। मेरे शहर में कई दरगाहों पर ताबीज और दूसरी चीजें लोग बनवाने आते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी परंपरा है। दोस्तों वैसे इमरान ही क्यों, उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तो खुद पेशेवर पीर हैं और दरगाहों पर बाल काटते भी नजर आ चुके हैं। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में भी कुछ हद तक यही होता रहा, लेकिन जितना अब हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों पाकिस्तान के इस तरह के हालात पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।